समाचार में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबर। साइबर सुरक्षा फर्म ने भारतीय उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाकर वेटनामीज हैकर्स द्वारा चलाए जा रहे फर्जी ई चालान घोटाले का पर्दाफाश किया है। एक हालिया जांच में प्रमुख साइबर सुरक्षा कंपनी क्लाउडसेक ने एक नए घोटाले का खुलासा किया है, जिसमें वेटनामीज हैकर ग्रुप द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से नकली ई चालान संदेशों भेजे जा रहे हैं। इस घोटाले का लक्ष्य भारतीय उपयोगकर्ता है, जिनसे व्यक्तिगत जानकारी चुराने और वित्तीय धोखाधड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ये धोखेबाज परिवहन सेवा या किसी स्टेट पुलिस के अधिकारी बनकर नकली ट्रैफिक चालान भेजते हैं। इन संदेशों में एक लिंक होता है, जिसे क्लिक करने पर यूजर्स को एक APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद यह कुछ परमिशंस मांगता है, जैसे कॉन्टैक्ट्स, फोन कॉल्स, SMS मैसेजेस और खुद को डिफॉल्ट मैसेजिंग ऐप बनाने की अनुमति भी मांगता है। इस प्रकार हैकर्स उपयोगकर्ता के डिवाइस पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं और संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच सकते हैं। क्लाउडसेक की रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि साइबर घोटाले कितने ही जटिल होते जा रहे हैं और अनचाहे संदेशों और लिंक से निपटने में सतर्कता की जरूरत है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि किसी भी संदेश या ऐप डाउनलोड करने से पहले उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करें।